अगर आप चैनल पर आए हैं पहली बार तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही नोटिफिकेशन की बेल को भी दबाइए ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंचे सबसे पहले। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संतोष और आपका टेक एंड मूवी यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों गर्मियां शुरू हो चुकी हैं और शुरुआत देखकर ही ऐसा लगता है कि पारा इस बार 45 डिग्री बहुत ही जल्दी पार हो जाएगा। दोस्तों गर्मियों से बचने के लिए हम ढेरों उपाय करते हैं और उन्हीं उपाय में से एक है अपने घर में एसी लगवाना। एसी एक ऐसा होम अप्लायंस है जो आपको इस तपती गर्मी में राहत देने का काम करता है, और अगर आप इस गर्मी में अपने घर में एसी लगवाने की सोच रहे हैं तो मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताने वाला हूं जिनसे आपके जेब से पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही आप अपने रूम के लिए बेहतर एसी भी खरीद सकेंगे। और आपको मैं कुछ ऐसे तरीके भी बताऊंगा जो एसी लगाने के बाद आपके घर की बिजली को भी बचाएंगे। दोस्तों एसी खरीदते समय सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि आपके रूम का साइज क्या है। अगर आपका रूम बड़ा है और आपने छोटा एसी खरीद लिया तो हो सकता है कि एसी खरीदते समय आप कुछ पैसे बचा लें, लेकिन उस बड़े रूम को कूल करने में उस एसी को ज्यादा पावर खर्च करना होगा और ज्यादा पावर खर्च करने में उस एसी का कंप्रेसर जल्दी खराब होगा। तो दोस्तों अगर आपके रूम साइज से छोटी साइज का एसी है तो वो आपका रूम देर में ठंडा भी करेगा और आपकी बिजली भी ज्यादा खर्च करेगा। अब वहीं दूसरी ओर मान लीजिए आपका रूम साइज छोटा है और आपने बड़े साइज का एसी लगा लिया, तो बड़े साइज का एसी खरीदते समय आपको ज्यादा पैसे तो खर्च करने ही पड़ेंगे, और अगर ज्यादा टन का एसी है तो आपकी बिजली भी ज्यादा खर्च करेगा। तो दोस्तों ये बात सबसे ज्यादा मायने रखती है कि आप अपने रूम के साइज के हिसाब से एसी का चुनाव करें। अब मान लीजिए कि अगर आपका 10x10 यानी 100 स्क्वायर फीट का रूम है तो उसका फार्मूला ये होता है कि 100 स्क्वायर फीट को आप 600 से डिवाइड करें। डिवाइड करने के बाद जो आपके पास आएगा उसमें 0.5 टन ऐड कर दें, तो 100 स्क्वायर फीट के रूम के हिसाब से आपके रूम के लिए 0.75 टन का एसी एकदम उपयुक्त होगा। अब इस तरह से एसी का चुनाव करते समय आपको इस बात का भी ध्यान देना होगा कि क्या आप बेहद गर्मी वाले इलाके में रहते हैं या आपका रूम टॉप फ्लोर पर है, क्या आपके रूम के चारों तरफ सूर्य की सीधी रोशनी पड़ती है। अगर ऐसा है तो आपको उसमें 0.5 टन और ऐड करना होगा, यानी कि जहां आप 0.75 टन का एसी लगा रहे थे वहीं आपको अब कम से कम 1.5 टन का एसी लगाना होगा, तभी आपको अपने रूम में अच्छी कूलिंग मिल सकेगी। अब एसी खरीदते समय आपको रेटिंग्स पर भी ध्यान देना बहुत ही जरूरी है, मतलब जितने अधिक स्टार उतनी ही बिजली की कम खपत। अब इसका मतलब ये है कि अगर 5 स्टार रेटिंग का एसी है तो वो आपकी कम से कम बिजली की खपत करेगा, लेकिन मैं ये कतई आपको नहीं कह रहा हूँ कि आपको 5 स्टार रेटिंग का ही एसी लेना जरूरी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्टार रेटिंग का चुनाव आपको अपने एसी के यूज के ऊपर करना होगा, यानी कि अगर आप दिन भर में मुश्किल से 3 से 4 घंटे ही एसी चलाते हैं तो आपको 3 स्टार रेटिंग का ही एसी लेने में फायदा होगा, लेकिन अगर आप 24 आवर एसी चला रहे हैं तब आपको 5 स्टार रेटिंग का ही एसी लेना चाहिए ताकि वो एसी आपकी ज्यादा से ज्यादा बिजली की बचत कर सके। अब यहाँ पर एक बात और बता देना आपको जरूरी है कि कम स्टार वाले एसी का सर्कुलेशन रेट अधिक होता है, यानी कि वो आपके रूम में कूलिंग बहुत ही जल्दी करता है, लेकिन साथ ही जितने कम स्टार रेटिंग का एसी होगा उतना ही बिजली भी आपकी अधिक खर्च करेगा। तो अब आपको एसी खरीदते समय ये सोचना होगा कि आपको एसी का कितनी देर प्रयोग करना है और आपका बजट कितना है। दोस्तों चूंकि एसी को हर साल अच्छी तरह से काम करने के लिए सर्विसिंग की भी आवश्यकता पड़ती है, इसलिए एसी खरीदते समय आप इस बात की भी भली भांत जानकारी कर लें कि उस एसी की आफ्टर सेल सर्विस क्या है, क्या वो कंपनी आपको प्रॉब्लम आने पर तत्काल सर्विसिंग की व्यवस्था कर पाएगी या नहीं। अब चलते हैं कि एसी चलाते वक्त आप अपने घर की बिजली को कितनी बचा सकते हैं। एसी चलाते समय आपको ज्यादा से ज्यादा 24 से 28 डिग्री के बीच टेम्परेचर रखना चाहिए। अब अगर आप अपने कमरे का टेम्परेचर 16 से 17 डिग्री रखेंगे
तो उस कमरे को 16 से 17 डिग्री लाने में उस एसी के कंप्रेसर को ज्यादा वर्क करना पड़ेगा और आपकी ज्यादा से ज्यादा बिजली भी खर्च होगी। तो मेरा आपको ये सुझाव है कि आप अपने कमरे को 24 से 28 डिग्री के बीच ही चलाएं ताकि आप अधिक से अधिक बिजली बचा सकें। दूसरी बात ये कि एसी के फिल्टर्स को साफ सुथरा रखें, उनको समय समय पर साफ करते रहें। अगर एसी का फिल्टर गंदा होगा तो उसमें से एयर को पास होने में एसी को अधिक ताकत लगानी होगी और अधिक ताकत लगाने से आपका बिजली का खर्च बढ़ जाएगा। यहाँ आपको इस बात का भी ध्यान देना होगा कि अगर आपका स्प्लिट एसी है तो उसकी आउटडोर यूनिट आप ऐसी जगह लगाएं जहां से उस पर सूर्य की सीधी किरणें न पड़ती हों। अगर स्प्लिट एसी के आउटडोर यूनिट पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ेंगी तो उसकी वजह से आपकी कूलिंग प्रभावित होगी। वहीं अगर आपका आउटडोर यूनिट ऐसी जगह पर रखा हुआ है जहां पर उस पर सूर्य की सीधी किरणें नहीं पड़ रही हैं, तो वो आपके रूम को जल्दी से जल्दी कूल कर देगा और आपकी बिजली की बचत भी हो सकेगी। दोस्तों, एक बार अगर आपके रूम की कूलिंग हो जाती है तो आप अपने एसी को एनर्जी सेविंग मोड पर भी चला सकते हैं ताकि आपकी ज्यादा बिजली बच सके। दोस्तों, मेरा आपको एक सुझाव ये भी है कि एसी चलाते वक्त अपने कमरे में आप सीलिंग फैन भी चलाएं। सीलिंग फैन एसी की ठंडक को रूम के अंदर जल्दी से जल्दी सर्कुलेट कर देता है जिससे आपका रूम जल्दी से कूल हो पाता है और इससे भी आपकी बिजली की बचत होती है। साथ ही आपके एसी के कंप्रेसर पर भी कम लोड पड़ता है। लेकिन यहीं पर आपको इस बात का भी ध्यान देना होगा कि अगर आप टॉप फ्लोर पर रहते हैं या आपके रूम की छत पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं तो दिन में सीलिंग फैन का इस्तेमाल न करें, क्योंकि दिन में अगर आपके रूम की छत गर्म होगी तो आपका सीलिंग फैन गर्म हवा फेंकेगा, उसके कारण आपका रूम जल्दी कूल नहीं हो पाएगा। दोस्तों, अगर आप बेहद गर्मी वाले क्षेत्र में रहते हैं और बाहर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है तो आप अपने रूम का टेम्परेचर 24 से 25 डिग्री पर ही रखें। इससे आपका एसी ज्यादा से ज्यादा बिजली बचाएगा। तो दोस्तों, ये रही एसी खरीदने, एसी चलाने और बिजली बचाने के लिए बेहतर टिप्स। अगर आप इन टिप्स पर ध्यान देंगे तो आप अपने रूम के लिए एक बेहतर एसी का चुनाव कर सकेंगे और आप ज्यादा से ज्यादा बिजली की बचत भी कर सकेंगे। और एसी जब आपके जेब पर भारी नहीं पड़ेगा तो आप उसका यूज आनंद के साथ कर पाएंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज उसे लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि भावनाओं में बहकर आप लाइक करना अक्सर भूल जाते हैं। दोस्तों, अगर आप वीडियो को लाइक करते हैं तो उससे मुझे एक इंस्पिरेशन मिलती है कि मैं ज्यादा से ज्यादा अच्छी वीडियोस आपके लिए ला सकूं। तो दोस्तों, आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई और लेटेस्ट जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।